सेटमैक्स एक ऐसा चैनल है जिस पर एक मूवी बार बार आती रहती है, सूर्यवंशम। हम सब उस मूवी को देख देख कर थक गए और इसी को लेकर एक आदमी ने इस बार सेटमैक्स से कंप्लेन कर दी और एक लेटर लिखा और बोला कि सेवा में चैनल सोनी मैक्स, सविनय निवेदन है कि चैनल को सूर्यवंशम फीचर फिल्म का प्रसारण का ठेका प्राप्त हुआ है क्या है? आपकी कृपा से हम हमारे परिवार का हीरा ठाकुर और उनके परिवार राधा गौरी व अन्य के अच्छे से जान चुके हैं। हम लोगों को सूर्यवंशम नामक फिल्म का एक्स्ट्रा इनिंग्स देख देख कर कंठस्थ हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका चैनल अब तक कितनी बार इस फिल्म का प्रसारण कर चुका है और कितनी बार करेगा। अगर इससे हमारी मानसिक स्थिति विपरीत असर पड़ता है, हम पागल हो जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कृपया बताएं। मतलब इस एक आदमी ने पूरे देश की बात कह दी, क्योंकि जितनी बार सेटमैक्स ने सूर्यवंशम दिखा दी है, यूट्यूब ने जोमेटो स्विगी के एड्स नहीं दिखाए होंगे। बात तो सही है। मैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम में आंसर भूल सकता हूँ, हीरा ठाकुर की स्पीच याद है मुझे। मैं जब जब खीर देखता हूँ मुझे बाबूजी की उल्टी याद आती है। मतलब सूर्यवंशम देख के मेरे बाप ने मुझे जायदाद से निकाल दिया, जो कि है भी नहीं हमारे पास। मुझे लगता है कि सूर्यवंशम सेटमैक्स का स्क्रीन सेवर है, बाकी सब चीजें दिखा देते हैं, ये डिफॉल्ट पे लगी रहती है। एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है डॉल्स एंड गबाना, कोटी बंगले वालों की कंपनी है, रोडस्टर वाली शक्ल ना बनाओ। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जहां पता चला कि ये लोग 32,000 रुपए की मंकी कैप बेच रहे हैं, वो भी डिस्काउंट के बाद। क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी सैलरी, वो भी CTC। देखो मैं अमीर तो नहीं हूं, बट आप इसको खरीद सकते हो। दो कंडीशन है, या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या आपके माथे पे लिखा है, तो छुपाने के लिए पहन लेना। 32,000 की मंकी कैप, माय फुट। हरदोई में एक अलग ही तरह का पॉलिटिकल गठबंधन हुआ जब 50 वर्षीय बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी के नेता की 26 वर्षीय बेटी को भगाकर ले गए, या इलोपिंग। ये इश्क भी ना आइडियोलॉजी नहीं देखता। क्या बात है सर। गुड भैया, कुछ कहेंगे आप इस पे? ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है। म्यूजिक अर्ज किया है, एक थप्पड़ मैंने मारा दो घूसे वो मार गया, एक थप्पड़ मैंने मारा दो घूसे वो मार गया, चुनाव हराना था जिसे उससे दिल हार गया। मतलब बीजेपी समाजवादी पार्टी, कौन बोला मोदी है तो मुमकिन है। तेलंगाना में एक मस्त कांड हुआ, एक आदमी सेल्फी लेने के लिए वंदे भारत ट्रेन में चढ़ा, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि ये ट्रेन के जो डोर्स होते हैं ये ऑटोमेटेड होते हैं, इसमें अगर आप एक बार चढ़ गए और एक बार ड्राइवर ने बटन प्रेस कर दिया तो वो गेट बंद है, वो नहीं खुलने के। ये भाई साहब सेल्फी लेने चढ़ गए, जब गेट बंद हो गए TT से डांट खा रहे हैं बाद में। शक्ल देख भैया, वो तो ठीक है साउथ का था, ये फंस गया। बिहार का होता तो ट्रेन ही घर ले जाता। अच्छा एक न्यूज आई जिसमें पता चला एक गर्लफ्रेंड इतनी झोल निकली, कहानी बताता हूँ। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए घर से गहने चुरा लिए, उन गहनों को 50,000 रुपए में बेचा, दोनों ने मस्त पार्टी की, बर्थडे मनाया, और फिर जब वो लड़की घर पर पकड़े जाने लगी तो वो पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस पर रोते रोते बोली कि सर वो मेरा एक दोस्त है, उसने मेरी कुछ अश्लील फोटोज ले ली थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसको पैसे देने के लिए मैंने घर से गहने चुरा लिए। भाई ये तो अलग डायमेंशन में चल रही है भाई। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। एवरीवन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और न्यूज एंटरटेनिंग तरीके से देखने के लिए मुझे मिलिए हर संडे 9 बजे संडे शो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।